वरुण वेलकम, आपका स्वागत है। जॉन आपका स्वागत है। एज यू नो कि हमारे यहाँ पे परंपरा रही कि आप लोग को एंटरटेन करते हैं, लेकिन हम लोग आपको एंटरटेन करने जा रहे हैं। कुछ बोलना चाहिए? बात बोलना चाहिए मुझे लिए। मुझे लगता है कि मैं फीवर का ही आरजी हूँ। मैं ये सेकंड विजिट है मेरा यहाँ पे इस फिल्म के लिए, एंड ऑब्वियसली इट फील्स लाइक होम व्हेन आई एम हियर, क्योंकि जॉन के लिए भी, जॉन तो फीवर बॉयस ऑफ चेंज के साथ बहुत पहले से जुड़ा है, आई थिंक सिंस द इंसेप्शन, एंड इनके वजह से मैं भी जुड़ गया हूँ अभी। एंड पांडे जी इज बैक, और लग रहा है कि आपने मैड्रिड में बहुत शॉपिंग की। एक्चुअली लग रहा है आप ज़ारा से खरीदने वाले हो। अरे बाप रे, तेरे पास भी सेल है क्या? सेल टू सेल। चलो ठीक है यार, और क्या क्या बोला जाएंगे आपको? 140 डिग्री बुखार है? 140 डिग्री नहीं नहीं 102 103 परफेक्ट आई व्यूअर नंबर व्यूअर। एंड नहीं, लेकिन दिस इज होम फॉर मी, और आई हैव ऑलवेज सेड दिस, दिस इज माय फेवरेट रेडियो स्टेशन। चारों तरफ चर्चा है, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़े, रेडियो स्टेशन सुने, हर जगह से की चर्चा है कि कॉन्टेस्ट में क्या होने वाला है, चैलेंज कैसे मिलने वाला है। तो भाई ऐसा है कि आप लोग हमेशा लोगों को चैलेंज देते हैं, क्या ये हमारी फिल्म देखिए, हमारी फिल्म के साथ इन्वॉल्व होइए, लेकिन हमारे लिसनर भी शामिल हो चुके हैं, और करप्शन के साथ आप लोग तो फिर बहुत जम के डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो कुछ चैलेंजेस हैं हमारे लिसनर्स द्वारा, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। आवाज सुनते हैं हमारे लिसनर की, वो क्या चैलेंज हैं, जरा गौर से सुनते हैं। ओके आइए। शांता भाई, बट शांता भाई जो मजी भाई आए वो नहीं आई है, दूसरी खड़ी कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तैयार है? ओके तैयार है, कम 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 कम, आइए आपको जैकलिन जी एक चोटी मारनी चाहिए, और ताकि सब लोग इंफ्यूअर उसके ऊपर एकदम फिदा हो जाए। जैकलिन की चोटी मारनी है तो जॉन खड़े हमारे ये गरीबों की जैकलिन है। और हाँ, चोटी मांगनी लाए जाए, एक क्लिप लाए जाए, और मधिया है पिक्चर पांडे की प्रोड्यूसर है। क्या बात है, we'll be right back।
looks good. सबसे छोड़ गया वही आ जाओ वही आ जाओ अरे ये की लुकिंग गुड लुकिंग वेरी ओके सर आपके डोले पर ये एक मिनट खड़े हो ओके सर ये लटकना चाहती सर आपको अगर नहीं तो मैं लटकूंगा समझ लो आप सर सर हो ना हां डोले ये ऐसा निकालो यस कम ऑन बढ़िया कम ऑन बढ़िया कम ऑन कम ऑन लटक जाओ लटक जाओ यही मौका है और मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ मुझे जॉन आपकी पर्सनैलिटी आपका जो मजापन है बहुत अच्छा लगता है और जो आपका जो इनोसेंस है आप जितने मासूम से लगते हैं बहुत जो मैं समझती हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद है तो आप दोनों के लिए मेरा जुजम टास्क ये है कि आपको एक सेक्सी और हॉट लड़की को अपनी पीठ पर बिठा के 20 से 25 तक के पुशअप करने हैं हाय जॉन ओके 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 क्या सेक्सी से लड़की बोला ओके ओके उसने कहा कि 60-65 किलो की लड़की बालों के पीछे बैठे हुए 20 से 25 केजी की लड़की क्या नहीं नहीं कुछ नहीं अपने मजे मत लो ओके जूनी कमर जूनी आइए ओके कमर बच्चों आइए आइए वरुण साहब आइए आपको पीना है एक वेलकम ड्रिंक सिर्फ 1.5 मिनट में और वो भी एक स्ट्रॉ के साथ बस इतना सिंपल है बस एक छोटा ट्विस्ट है स्ट्रॉ में थोड़े छेद रहेंगे ओके एक्चुअली वो पानी पीना है स्ट्रॉ है लेकिन उसमें छेद है स्ट्रॉ में यार आपको इसके अंदर छेद यस और 1.5 मिनट के अंदर पीना कंप्लीट करना ओके काउंट करना शुरू करेंगे आप जो बोलेंगे तो शुरू करेंगे हम लोग स्टॉपवॉच ओके रेडी 1 3 2 1 गो जिससे हमारी तबीयत खराब हो रही है
प्रमोटिंग के लिए सर हम लोग प्रमोट कर रहे थे कल रात के 3 बजे तक कपिल शर्मा के साथ, फिर वो खत्म हुआ। वो बेचारी अभी झलक पे जज भी बनी है, तो शी बी डूइंग बहुत पैसा बना रहे तो थक जाते हैं। ओके तो आई थिंक यार इसको सजा मिलनी चाहिए, क्यूटिंग की लोग क्या सजा दिया सकते हैं। जनता की राय, जनता की राय, डांस जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब ने अच्छे अच्छे चैलेंज दिए थे। अब हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त लोग आए हैं, कैसे करप्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे आप? आपको क्या सलूशन नजर आता है? कैसे करप्शन को डिस्ट्रॉय करूंगा, एक शेर है जो मैंने हाल ही में सुना था, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से मेरे मुल्क को तकलीफ है बेईमानों से। सो इट्स मेनली जो बेईमानी होती है, जो गद्दारी होती है, उसके वजह से तकलीफ होती है लोगों से, और जो करप्शन होती है उसी की वजह से होती है। सो फर्स्ट लोगों के पर्सनालिटीज़ को क्लीन करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वो ओवरनाइट नहीं मिलेगा, आपको सही बात पे चलना है, थोड़ा परिश्रम करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, और आप वहाँ तक फिर भी पहुँच जाएंगे। इट विल बी टफ बट यू स्टिल रीच दैट। सो मेरे हिसाब से इट्स द टीचिंग्स एंड इट्स द अपब्रिंगिंग दैट पेरेंट्स गिव द चिल्ड्रन। आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्कूलिंग दैट एनीवन कैन हैव, हाउ योर पेरेंट्स ब्रिंग यू। यहां आप देखो मैं हिंदुस्तान टाइम्स में पिक्चर पाने में 11 बजे से लेकर कंटिन्यू ही जो आप कर रहे हैं, हम लोग सब लाइव जा रहा है, सब बातें हो रही हैं, तो वहां पर ये करप्शन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सारी दुनिया चाहती कि इसको डिस्ट्रॉय हो जाए। अगला क्वेश्चन नहीं बता विराट कोहली या रोहित शर्मा एक बड़ा स्टार होगा हमारी फिल्म के अंदर, उसका नाम विराट शर्मा है। और डेफिनेटली हम लोग इंडिया का जो टॉप बैट्समैन है वो दिखाना चाहते थे, एंड मेरे नज़र में विराट, रोहित शर्मा, धोनी, हर प्लेयर टॉप बैट्समैन है, हर क्रिकेटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट पीपल फील दैट जो हमारे क्रिकेटर है विराट शर्मा, साकिब सलीम जो किरदार निभा रहे, ही रिजेंबल्स विराट, एंड विराट इज अ यूथ आइकॉन टुडे।
सो इट्स फाइन बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट द पॉइंट अक्रॉस कि अगर हमारा जो टॉप बैट्समैन है वो किडनैप होता है जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर एग्जाम्पल हाउ वुड द गवर्नमेंट रिएक्ट हाउ वुड द पुलिस रिएक्ट हाउ वुड द गवर्नमेंट इन विच दिस क्रिकेटर वॉज किडनैप हाउ वुड दे रिएक्ट बेसिकली विराट से आई थिंक ही इज इन द कैरेबियन राइट ना आई थिंक वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उन्हें प्लीज उसके लिए बेस्ट ऑफ लक होगा इंडियन टीम को बेस्ट ऑफ लक होगा उसके लिए बट आई थिंक सून एज ही गेट्स डन उन्होंने ट्रेलर देखा है एंड ही सेंड मी अ मैसेज आफ्टर दैट बट आई थिंक जब ही आई थिंक व्हेनेवर ही गेट्स फ्री और आफ्टर गेट्स डन इफ ही वांट्स टू सी कम शो ही कैन अनाउंस दैट ओके वरुण इससे पहले भी फिल्में आई हैं आप प्रमोशन करते रहे हैं नजर आते रहे लेकिन इस बार मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं जॉन मौजूद हो या जैकी हो ना हो लेकिन आप हर जगह नजर आए कितना थकाने वाला रहा ये पूरा प्रोसेस और सब बीमार होते जा रहे हैं जॉन की भी तबियत खराब है उन्होंने बताया कि हो रहा है जैकी की तबियत खराब है रात को कपिल शर्मा कर रहे थे और कितना थकाने वाले रहा आपसे पूछना चाहूँगा वरुण और जॉन आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह का प्रमोशन इतना प्रमोशन की तबियत खराब हुई हम लोग एक्चुअली बिल्कुल थके नहीं हुए अगर थके हुए होते तो जॉन यहाँ पे नहीं होता फीवर के बावजूद आया है तो दैट जस्ट शोज कि ही इज हियर बिकॉज ही लव्स द फिल्म ही इज हियर बिकॉज और ये मैं इसे प्रमोशन नहीं कहूँगा आई थिंक प्रमोशन जब हम लोग ये शब्द यूज करते हैं तो फिल्म को कभी कभी अब्यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे हैं हमारे क्रिएटिविटी या आर्ट को दूसरे लोगों को पहुँचाने तो वो कैमरा के जरिए आप लोग के जरिए पहुँचता है लोगों की तरफ और मैं कभी नहीं थकता हूँ और मैं थकूंगा भी नहीं आई होप आप लोग भी नहीं थकोगे क्योंकि आर्ट है जो कला है वो हमें बाहर दिखाना है लोगों तक पहुंचाना है सो आई विल डू एनीथिंग अगर मुझे 4 बजे उठना है 2 बजे उठना है मुझे सोना भी नहीं है मैं करने के लिए तैयार हूँ मेरे पीछे आई थिंक इस फिल्म में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि मैं फोर्स टू के लिए शूटिंग कर रहा था एंड आई न्यू दैट 2 या 3 डांस शोज थे But I know Varun definitely वहाँ पे मतलब he covers up for both of us and क्योंकि teamwork में यही खासियत है कि we both are a team and जिस तरीके से ये promote करता है the way he shows his creativity for this film I think is absolutely fantastic बहुत ही energetic है and इसलिए मैं थोड़ा आराम से मैं relaxed भी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सो भी जाऊँ तो Varun करेगा कुछ No, but honestly, I don't deserve credit for this. मुझे fever नहीं है, मेरी तबियत खराब नहीं है, इनकी तबियत खराब है, ये बोल भी नहीं रहे आपको. And genuinely, this man is unwell, and he's here. He's come in the morning because इन्होंने commitment की थी कि मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा. And सुबह में मुझे इनका phone नहीं लग रहा था, और Jacqueline की भी तबियत खराब थी. So I was worried that what's going to happen. And I remember at 9:15, John called him. So where are you? I said, John, are you coming? He's like, I'm ready. He said, I'm ready. He said, come, let's pick me up, let's go. And he was here, and he is here. So, with fever, thank you. जिस तरह का promo को response हो रहा है, do you think half the battle is won? जब लोग music को पसंद करने लगते हैं, fever पे रहेंगे किसका गा? वो तो fever 100 जा रहा है, इसलिए music तो See, I think music is one part of it. लेकिन the first look सबसे important वो होता है. और ऑडियंस तभी डिसाइड करती है कि दे वांट टू सी द फिल्म ऑन वेरी ऑनेस्टली और उसके बाद हम लोग जो भी करें यू टॉक अबाउट प्रमोशन व्हाटएवर इफ द फिल्म इज नॉट गुड इट विल नॉट वर्क इफ इट डजंट कनेक्ट इट विल नॉट वर्क सो मेन थिंग इज ऑन योर ओपनिंग डे इनफैक्ट हम लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आज का दौर भी ऐसा चल रहा है कि जो अच्छी पिक्चर है वो चलती है द ओपनिंग इज नॉट मैटरिंग कि अगर वो कितने भी नंबर पे खोले पहला से बट सैटरडे अच्छा हो जाता है संडे अच्छा हो जाता है मंडे इट कीप्स इंक्रीजिंग सो इफ यू आर अ गुड फिल्म वो होगा एंड वी बिलीव कि डिशू एक अच्छी फिल्म है इट्स अ फिल्म विच हैज अ ब्रेन एंड अ हार्ट इसमें एक दो चीज़ है जो लोगों को कुछ सिखाएगी जैसे इट्स देयर इज एन एंगल ऑन मैच फिक्सिंग देयर इज एन एंगल ऑन बुकीज इन द फिल्म जिसके बारे में हम लोगों ने बताया नहीं आई टेक दिस वेरी सीरियसली एंड सो डज जॉन आई थिंक सब लोग आप वी आर ऑल क्रिकेट लवर्स क्रिकेट इज अ रिलीजन इन दिस कंट्री और कोई भी इंसान जो क्रिकेट का नाम खराब करता है या जो हमारे लिए मजहब है और हमारे मजहब का नाम खराब करता है हम उसके सामने उसको एक डिशुम तो देंगे ही देंगे तो ये वही जवाब है टू दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स वो ट्राइंग टू स्पॉइल द नेम ऑफ क्रिकेट एंड आप लव्ड क्रिकेटर्स काफी स्पोर्टी है ज्यादातर हम लोग को पानी बहुत पसंद है शॉर्ट्स में पानी के अंदर जाना बहुत पसंद है
वी आर वेरी प्रो स्विमिंग, वी आर वेरी प्रो स्विमिंग इन दिस फिल्म. लेकिन आई थिंक इट्स अ क्रिकेट असाइड, आई थिंक दिस इज अ फन फिल्म, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है. और जब भी आप अपना काम करके आप घर जाते हो, आप फैमिली को बाहर लेके जाते हो, यू वांट टू हैव अ ग्रेट टाइम, यू वांट टू एंजॉय. एंड आई थिंक दिस फिल्म इज अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन. हाल में इंडिया जस्ट वन द डेविस कप, सो जस्ट कांग्रेचुलेशन टू द इंडियन टीम. और जितने भी इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं ओलंपिक के लिए, जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम. द टेनिस टीम इज ऑब्वियसली डूइंग वेरी वेल, सानिया मिर्जा इज आई थिंक ट्रूली वेरी वेरी गिफ्टेड एथलीट. So just best of luck to the entire Indian contingency, all the Indian athletes going to the Olympics. Please go there, make us proud. And वहाँ पे if anyone messes with you, me and John will be there to take care of those people. Yeah, so I met him in Bombay just before his fight, and उसने मुझे कहा कि मुझे पता है, मुझे exactly पता है कि game को कभी up करना है, कभी नीचे करना है, कौन से round में मुझे slow जाना है, कभी fast जाना है. क्योंकि ही हैड स्टडीड कैरी होप वेरी वेल. और मुझे लगा कि वो सेवेंथ या एट राउंड में उसको नॉकआउट कर देगा, लेकिन इट वेंट ऑल द वे और पॉइंट्स में विजेंद्र जीता. बट ही वॉज क्लियरली द विनर, ही वॉज अ डिजर्विंग विनर. और प्रो बॉक्सिंग के लिए ये इट्स अ बिग स्टेप इन इंडिया, एंड वी कंग्रेचुलेट बोथ वरुण एंड मी, वी बोथ कंग्रेचुलेट विजेंद्र सिंह, एंड ही इज मेड इंडिया प्राउड. थैंक यू, थैंक यू.